हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भले ही जीत हासिल कर ली हो, लेकिन उसके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती नया मुख्यमंत्री चुनना है। कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान भी शुरू हो चुकी है। हिमाचल की राजधानी शिमला में सीएम को लेकर कांग्रेस की गुटबाजी भी सामने आई। यहां प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। समर्थकों की मांग है कि प्रतिभा सिंह को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की गाड़ी को रोककर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करने वाले कार्यकर्ता प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। सीएम पद के सबसे बड़ी दावेदार प्रतिभा सिंह ने सिसिल होटल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला के साथ बैठक के बाद कहा कि शाम को हम लोग सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और हर कोई हमारे साथ है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए एक ऐसे नेता का मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चुनाव करना चुनौतीपूर्ण है, जो पार्टी को आगे ले जाते हुए उसे एकजुट रख सके। कांग्रेस ने शिमला में अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल नेता चुनने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो, ऐसा तो हाई कमांड भी नहीं करेगी। विधायक दल की बैठक होगी, हाई कमान जो तय करेगा वो होगा फाइनल। सबको साथ में लेके चलने की बात है और सबको अपने राय रखने की भी अधिकार है। शिमला में शिमला की जनता की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के नेता हैं उनकी जीत हुई। देवभूमि में देवों की कृपा से, भगवान की कृपा से यहाँ पे बहुमत मिला है और हम लोगों का आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हैं विधायकों को बुलाया है आज, तो सबके साथ एक अनौपचारिक मीटिंग करके और इसके बाद हम लोग पार्टी हाईकमान को अवगत करेंगे, फिर पार्टी हाईकमान तय करेगा। वैसे तो प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और वे विधायक भी नहीं है, लेकिन उन्होंने राज्य भर में पार्टी के लिए व्यापक चुनाव प्रचार किया। वे फिलहाल मंडी से सांसद हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान हुआ। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 43.9 और बीजेपी को 43% वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1.1% वोट ही हासिल हुए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।